दोस्तों, अगर आप बोया का M1 माइक खरीदते हैं और वो अगर आपके मोबाइल में काम नहीं करता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने इस बोया M1 माइक के बारे में पूरा टोटली बताया कि ये कैसे काम करता है, इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग क्या क्या बदलनी पड़ेगी जिससे जाकर ये माइक आपका काम करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं राठौर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पिछली दो वीडियो को छोड़कर एक बोया M1 बाइक की जो रिव्यू वीडियो बनाई थी, जिससे कि मैंने बोया M1 का बाइक परचेस किया था और आप सभी को उसकी अनबॉक्सिंग करके बताई थी, और मैंने कहा था कि अब आने वाली वीडियो में इस माइक के जरिए बनाऊंगा जिससे कि मेरी वॉइस मतलब जो आवाज़ है वो क्लियर हो और आपको बिल्कुल आसानी से मेरी बात जो भी मैं बोलूँ वो समझ आ जाए। ठीक है, जबकि मैंने वो माइक खरीद लिया, अब क्या हुआ कि मैंने जब उस माइक को अपने मोबाइल से अटैच किया तो मुझे लगा कि वो साउंड नहीं दे रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सेटिंग की, कैमरा वगैरह सब सेटिंग में जाकर उस माइक को मैंने चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो माइक बिल्कुल भी चालू नहीं हुआ। तो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे उसी माइक के बारे में। तो मैंने उस माइक को रिटर्न कर दिया और अब जो मेरे पास माइक आया है वो दूसरा माइक आया है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में जो माइक का रिव्यू किया था वो माइक दूसरा था जिसे मैंने रिटर्न कर दिया। मैंने सोचा माइक चालू नहीं है, मैंने चेक किया मोबाइल में बहुत सारी सेटिंग की, लेकिन वो माइक बिल्कुल भी चालू नहीं हो। और अब जो मैंने माइक मतलब उन्हीं ने मुझे दूसरा माइक भेजा है, देखिए अगर आप उस वाली वीडियो में देखेंगे तो ये जो बारकोड का जो पेपर है वो थोड़ा तिरछा लगा हुआ होगा और इस पे जो बारकोड का पेपर है वो बिल्कुल सीधा लगा हुआ, मतलब ये प्रूफ है कि मुझे वाकई में दूसरा बोया का M1 बाइक मुझे दिया गया है। मैंने उसे वापस कर दिया और रीज़न बता दिया कि ये माइक चालू नहीं है। ठीक है, ये करके मैंने उसे रिटर्न कर दिया और अब मुझे दूसरा माइक भेजा गया। दोस्तों, हो सकता है वो माइक भी चालू हो लेकिन मेरी थोड़ी गलती की वजह से मुझे वापस करना पड़ा और ये वाला बुलवाना पड़ा। तो मैं बताता हूँ मुझे वापस क्यों करना पड़ा, अभी इसे रखते हैं हम इस साइड। दोस्तों, क्या होता है कि अभी Xiaomi के मोबाइल में और बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसमें बोया का M1 माइक नहीं चलता है, जिनके कैमरे होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कैमरे होते हैं वो किसी एक्सटर्नल माइक को यूज़ करने की परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, किसी भी माइक को आप अगर अटैच करेंगे बोया M1 माइक या कोई भी माइक, उसमें एक्सटर्नल माइक अटैच नहीं होगा, जिससे कि क्या होगा कि आप वीडियो तो बनाएंगे लेकिन आपका जो कैमरे का बाय डिफ़ॉल्ट माइक है उसमें आपकी रिकॉर्डिंग होगी, ना कि आप किसी अदर माइक की। ठीक है, उस माइक से आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मैंने उसे ऐसे ही समझकर उसे वापस कर दिया, लेकिन मैंने जब सोशल नेटवर्क पर सर्च किया तो कारण कुछ और ही निकला। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या कारण क्या था। तो दोस्तों, ये वो माइक है जो कि मुझे दूसरा वाला मिला है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना होता है। ये तो माइक होता है और कहाँ गया, ये उसका जैक जो कि मोबाइल में लगता है और ये यहाँ पर बैटरी लगती है। तो सबसे पहले बात मैं आपकी यहीं से आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि अगर आप इसे मोबाइल में यूज़ करते हैं तो इसे जब आप ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर बैटरी आपको नहीं लगाना है। ठीक है, वो जो बैटरी आपको दी जाएगी उस बैटरी को आपको लगाना है अगर आप किसी DSLR कैमरे में या किसी वीडियो रिकॉर्डर कैमरे में आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसमें बैटरी लगाना है। अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो बिल्कुल भी बैटरी नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने Xiaomi के मोबाइल के बाय डिफ़ॉल्ट कैमरे से और मैं इस जैक को अभी आपके सामने मेरे कैमरे में लगाऊंगा मोबाइल के और देखता हूँ कि ये आवाज़ करेगा या नहीं। चलिए चेक करते हैं। मैंने जैक लगा दिया। आप इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे मोबाइल के ही बाय डिफ़ॉल्ट माइक में मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी वॉइस सिर्फ मोबाइल का माइक ही रिकॉर्ड कर रहा है, ये माइक बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अब मैं दिखाता हूँ कि इसकी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है तो फ्रेंड्स, अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है जो कि आपको इस बोया के M1 माइक को चलाने में आपको बिल्कुल काम देगी। ठीक है, अभी मेरे माइक का जैक मेरे हाथ में, अब मैं इसमें फिट करूँगा और देखता हूँ कि मेरे जो माइक है वो काम करेगा या नहीं। अभी मैं आपके सामने से जैक लगाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जैक लगा दिया। अब हो सकता है आपको मेरी आवाज़ और भी क्लियर आ रही हो और ये माइक बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा है और नॉइज़ कैंसिलेशन के मामले में बिल्कुल पॉपुलर माइक है, सबसे ज़्यादा लोग बड़े बड़े यूट्यूबर इसको यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा कि वो एप्लीकेशन क्या है, उसमें भी आपको दो सेटिंग करनी होगी जिसके बाद ही माइक काम करना चालू होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन का नाम क्या है। वैसे तो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है लेकिन अगर आप उसे डाउनलोड करते तो उसके बाद आपको दो सेटिंग क्या करना है वो आपको मैं अभी बताऊँगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए उस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको वो एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है। वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, और आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक ब्लैक कलर का कैमरा होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा है, और जो ब्लू कलर का कैमरा है उसका नाम है ओपन कैमरा। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसे ओपन करते हैं और मैं बताता हूँ आपको क्या सेटिंग करनी होगी। इसे मैंने ओपन किया, ये देखिए कैमरा बिल्कुल ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या सेटिंग करने है। सबसे पहले तो आपको ये जो थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे इस पर आपको क्लिक करना है, और आपका जो वीडियो रेजोल्यूशन है उसे आपको 1280x720 करना है, क्योंकि ये वीडियो रेजोल्यूशन जो आपके अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट से भी बनाते हैं तो उससे मैच खाता हुआ, अगर आप इसे ऐसे चेंज करेंगे तो बिल्कुल ही आपको वीडियो ये देखिए अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आगे पीछे हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे 1280x720 रखिएगा। ये रेजोल्यूशन बिल्कुल बढ़िया रहता है, और इससे आपकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी रहती है। अब मैं दूसरी सेटिंग बताता हूँ जिससे कि आपका माइक काम करेगा। आपको इस सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करना है, इस पर मैंने क्लिक किया, और आपको यहाँ पर नीचे जाकर इस वीडियो सेटिंग पर क्लिक करना है। वीडियो सेटिंग पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आकर आपको देखना है यहाँ पर आइडियो सोर्स लिखा होगा, ठीक है। आइडियो सोर्स अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर कैमकॉर्डर लिखा इस पर मिलेगा, इस कैमकॉर्डर पर आपको ये आप क्लिक किया हुआ मिलेगा, देखिए। लेकिन कहाँ गया, लेकिन अगर आप इसे अगर अपना बोया का M1 माइक चलाते हैं तो इसे एक्सटर्नल माइक पर आपको क्लिक करना होगा, तब जाके आपका बोया का M1 माइक चालू होगा। इस सेकेंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और बैक हो जाना है, ठीक है। ये आपका माइक बिल्कुल चालू कर देगा, और अगर आप जैसे देखना चाहें तो जैसे कि मैंने आपको चालू कैमरे में आपको बताया था और आपके सामने ही जैक लगाया था, तो बिल्कुल इसी एप्लीकेशन में आपको काम करना है अगर आप बोया का M1 माइक चलाना चाहते हैं तो, जिससे कि आपका बोया का M1 माइक चालू हो जाएगा, ठीक है। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरीके की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है अपने बोया M1 माइक को यूज़ करने के लिए, और जो मैंने सेटिंग बताई उस तरीके की सेटिंग आपको करना है, जिससे कि आपका माइक आपके मतलब मोबाइल में चलेगा, बिल्कुल भी चलेगा। और अगर आप इसे बिना चेक किए इस तरीके की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते और अपने बाय डिफ़ॉल्ट कैमरे में अगर इसे आप यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी ये साउंड नहीं करेगा, और आपको इसे रिटर्न करना होगा। जैसी गलती मैंने की थी, मुझे भी दूसरा माइक मिला है, तो मैंने फिर सोशल मीडिया पर इसका सर्च किया और देखा कि इसमें ये करना पड़ेगा, तब जाकर ये मेरा माइक चालू हुआ है। आप भी ऐसी गलती ना करें, इसलिए इस वीडियो में बताए गए स्टेप को आप फॉलो कीजिए, आपका माइक बिल्कुल भी काम करेगा। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसलिए माफ़ी चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।